रमैया इंस्टीट्यूट के एलुमनाई समारोह में तमाम पुराने छात्रों को अपने पुराने दिन याद आए। लोगों ने पुरानी यादें साझा की और अपने बारे में आसपास के विचार भी साझा किए। सभी को ऐसा लगा जैसे कि वो अपने छात्र जीवन में वापस पहुंच गए हैं। इस अवसर पर भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी मौजूद रहे। सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन के लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने भी अपने छात्र जीवन के संस्मरण साझा किए। और वहीं बिहार के कैबिनेट मंत्री आलोक कुमार मेहता जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को इस मीटिंग की बधाई दी और कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। मैं आप लोगों को देखकर वे बैक 1985 जब मैं रमैया कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था उस उन दिनों की तरफ मुझे वो दिन मुझे याद आने लगे। और मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने थ्री इडियट्स देखा होगा वो रिप्लीकेट करता है रमैया कॉलेज नहीं पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज के उस वातावरण को जो उसमें दिखलाया गया है और वही जीवन की हकीकत है। इस अवसर पर पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पर्यावरणविद सतेंद्र सिंह का सांसद अनिल अग्रवाल ने सम्मान किया। सतेंद्र सिंह ने पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी को आगे आने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार को वृक्षारोपण में एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। सभी उपस्थित हमारे भाइयों और सम्मानित पर्यावरण के लिए आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि सभी आप यहाँ इंजीनियर भाई हैं हमारे और पर्यावरण के लिए सभी चिंतित हैं। जैसे बहुत से लोगों ने बताया कि मैं पर्यावरण के लिए या मैं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो कई चीज़ें हैं। जैसे अभी हम जो पेड़ लगाते हैं सरकार भी पेड़ लगाती है, हमने मोदी जी को भी हमने लेटर लिखा, हमने अपने सुझाव दिए हैं। मैं गंगा समिति में हूँ वहाँ पर भी मीटिंग होती रहती है हमारी। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि हम लोग जो पेड़ लगाते हैं सरकार देती है पेड़ लगाने के लिए, उसमें 20% जो होते हैं वो टिम्बर होते हैं, बाकी सब होते हैं। जबकि अगर हम इसको उल्टा कर दें 80% हम टिम्बर कर दें और 20% सब होंगे तो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा और वो हमारे टिकाऊ पेड़ होंगे जो कि हमारे लंबे समय तक टिकेंगे। चाहे हाईवेज़ में भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं नेशनल हाईवेज़ में और इंडस्ट्रीज में भी। और इसके अलावा कारखाना अधिनियम है, मैं क्योंकि लेबर लॉ एडवाइज़र हूँ कंपनीज को, मैं लेबर लॉ कानून का सलाह देने का काम करता हूँ, तो उसमें सेक्शन 128 में लिखा हुआ है कि हर फैक्ट्री को पौधे लगाना पेड़ लगाना अनिवार्य है। लेकिन आपके यहाँ पर आप लोगों में से बहुत से लोगों की फैक्ट्रीज भी हैं, कोई भी अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर जाता होगा तो कभी उसने आपके यहाँ जब इंस्पेक्शन किया होगा तो उसने सेक्शन 128 का इस्तेमाल कभी नहीं किया होगा, क्योंकि उनको अभी ध्यान इस तरफ नहीं है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि पेड़ लगाना, और ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सरकार ही कह रही है तभी हम करें, हमें खुद भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। नगर निगम में भी रखा हुआ है कि अगर आप अपने मकान का या अपने उसका कंप्लीशन चाहते हैं आपको इतना पेड़ लगाना चाहिए। इसी तरह हर म्यूनिसपैलिटी में या ग्राम पंचायत में सभी जगह ये नियम अनिवार्य है भी, लेकिन उसके बाद भी उसको फॉलोअप नहीं हो पाया। इस अवसर पर हातम सिंह नागर एवं जोगेंद्र सिंह भी वरिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन SP सिंह ने किया था।